अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इंतजार अरशद और आज का जो है वो टॉपिक कोई व्यू मशीन नहीं है, क्योंकि आज मुझे ना एक कोड रिसीव हुआ है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो मैं सोचा आपको बता दूँ, तो ये आपको तब रिसीव होता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद मतलब कि जब वो पेमेंट्स वगैरह का कोई सीन होता है। तो ये आपको कैसे रिसीव होगा, क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, गूगल एडसेंस की तरफ से रिसीव हुआ है। तो ये कैसे रिसीव करते हैं, कितने दिनों में आता है, और ये अपने जो है वो अकाउंट में लगाते कैसे हैं, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं आगे, सबसे पहले देख लेते हैं जी ये किस तरह का होता है। तो ये देखें जी, एक साइड पे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस और साइड पर लिखा हुआ है रिमूव एजेस, मतलब ये साइडों से रिमूव करना है, उसको खोलना है और इसके अंदर जो है वो कोड होगा 4 से 6 का जो आप लगाएंगे अपने एडसेंस के अकाउंट में, और उसके बाद जो है वो आपका फर्दर जो है वो पेमेंट्स वगैरह का कोई सीन होगा। तो इस साइड से देखें ये बस गूगल एडसेंस लिखा हुआ, दूसरी साइड पर ये देखें ये नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये देखें ये ऊपर इंतजार दर्शक और बाकी जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है। बाकी इस साइड पे ही देखें पोर्ट पे फ्रांस एलए पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, तो इस साइड पे भी गूगल लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इनक्लोज्ड, बाकी ये कोई नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसको खोलते हैं, इसके अंदर जो है वो कोड क्या होगा और बाकी जो है वो इसको लगाते कैसे हैं वो सारा मैं बताता हूं। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर कोड क्या है। तो सबसे पहले ये साइडों से जो है वो इसको खोल लेते हैं, इस साइड से भी सेम। तो इसके अंदर जो है वो कोई कोड है, तो वो हम लगाएंगे अपने जो है वो अकाउंट में, जो गूगल एडसेंस का हमने अकाउंट बनाया हुआ है उसके लगाएंगे। तो इसको यहाँ से भी जो है वो ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें ये 600 का कोड है ये। बाकी ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इस साइड पे, तो ये किस तरह लगाना है, कैसे लगाना है, क्या हिसाब किताब है। नीचे भी कि इज नॉट ऑन एंड गूगल स्टॉप सर्विंग एड्स थ्रू योर अकाउंट इफ यू डू नॉट यूज दिस पे टू वेरीफाई योर एड्रेस विद इन 4 मंथ्स। तो इस पे इधर भी वो लिखा हुआ है कि हम आपके जो है वो एड्स नहीं दिखाएंगे अगर आपने 4 मंथ्स तक ये जो है वो पिन यूज़ नहीं किया ये वो। बाकी ये ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, पिन लिखा हुआ। तो चलें अब इसको लगाते हैं अपने जो है वो अकाउंट में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, चले जी आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी हम जो है वो कोड लगाएंगे, मैं आपको टोटल जो आप लगा के दिखाऊंगा कैसे लगेगा कोड। तो कोड लाइए, तो सबसे पहले जो है वो आपने जाना है अपना जो है वो जो YouTube का चैनल है वो आपने ओपन करना है। तो ये देखिए जी, मैं लैपटॉप पे जो है वो YouTube चैनल ओपन कर दिया। लैपटॉप मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो दूसरा मोबाइल नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैंने लैपटॉप उठा लिया। वैसे लैपटॉप की खास जरूरत नहीं है, सारा कुछ मोबाइल पर भी हो सकता है। आपने सिंपली जो है वो अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करना है, जिस पे वो ईमेल लगी है जो आपका जिस ईमेल से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बना हुआ है उसको ओपन करना है, और वही मेल लगानी है गूगल एडसेंस पे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेरीफाई योर एड्रेस टू स्टार्ट शोइंग एड्स अगेन। मेरे पे अभी जो है वो एड्स शो नहीं हो रहे क्योंकि वो जो है वो पिन नहीं लगाया उसके अंदर जो मेरे पास आया हुआ है। अभी आज आया, आज मुझे रिसीव हुआ है, बल्कि मैंने खुद जाकर रिसीव किया, मुझे घर पर नहीं आया, पोस्ट ऑफिस से पता करना पड़ा। तो दूसरे चक्कर पर मुझे वो है वो रिसीव हुआ है। तो वो चढ़ें, अच्छा यहाँ पे आपने क्लिक करना है इधर एक्शन पे, ये देखें एक्शन लिखा हुआ है इस पर, इधर आपने सिंपली जो है क्लिक कर देना है। एक्शन के बाद देखें वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 6-डिजिट वेरिफिकेशन पिन जो है वो यहाँ पे लगेगी। सिंपली जो है वो यहाँ पे आपने अपना जो है वो पिन लगा देना है। ये नीचे देखें मैंने इनको जो है वो अपना एड्रेस दिया था, जो मेरे करीब तरीन जो है वो पोस्ट ऑफिस जो मेरे करीब है वहाँ वही मैंने इसको एड्रेस दिया, तो इसने वहीं पर जो है वो मुझे भेज दिया कोड। तो ये कोड लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने सिंपली वो क्लिक करना है और ये जो अपना कोड है इसको इसके ऊपर डायल करना है। तो फर्स्ट डिजिट है अपना 6, कोड को मैं हाइड रखूँगा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बाकी ये 6 डिजिट का कोड है आपने टाइप कर लेना है एज इट इज़। ये वही कोड है यहाँ पे वो मैं लगा दिया। अब आपने नीचे सिंपली यहाँ पे जो है वो सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट। फिर देखें नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। तो अभी ये जो है वो मेरे चैनल पे दोबारा जो है वो एड शो करने शुरू कर देगा। अच्छा जो वो था ना पिन वाला इंटरफेस वो अभी गायब हो गया, तो अभी ये आ गया इसके बाद। तो यहाँ पे देखें वी वर गोट यूनिफॉर्म, यहाँ पे ये पेमेंट्स की कोई इन्फो वगैरह लेंगे, मतलब कि अभी जो है वो पिन लग गया उसके बाद अभी पेमेंट्स की इन्फो देंगे, मतलब कि इनको जो है वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे और अपना बैंकिंग की डिटेल्स देंगे। तो टैक्स जो है वो फॉर्म होगा वो फिल करेंगे, उसके बाद ये जो है वो पेमेंट्स आएंगी वहाँ से यूट्यूब की तरफ से।
तो ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू विल नीड टू ऐड योर पेमेंट इन्फो एंड कनेक्ट योर साइट, पेमेंट्स इन्फो वगैरह देनी है। तो पहले इन्होंने ना एड्स बंद कर दिए थे जो है वो मेरे चैनल पे, क्योंकि वो ये 4 मंथ का टाइम देते हैं जब ये पिन के लिए जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये 4 मंथ का टाइम देते हैं, तब तक अगर आपने पिन लगा दी तो ठीक है, नहीं लगाई तो ये जो है वो डीमोनेटाइज कर देते हैं चैनल, तो उस तब आपके चैनल पे जो है वो एड शो नहीं होते। तो भी मैंने जो है वो पिन इनको लगाई है, तो पिन लगाने के बाद ये देखें अभी चलते हैं जो अपना ये चैनल है यूट्यूब, तो स्टूडियो वाले पे जाके देखें, यहाँ पे देखें पहले ये ऑफ थे, मोनेटाइजेशन ऑन लिखी हुई है ना, तो पहले ये ऑफ था, तो अभी ये सब पे जो है वो ऑन ऑन शुरू होना शुरू हो गया, तो अभी इस पे एड्स दिखेंगे, तो उन एड्स से ही जो है ये पेमेंट्स वगैरह जो है वो बनती हैं। बाकी अभी इसके जो है गूगल एडसेंस पे पेमेंट्स इन्फो, ये देखें रीड मोर अबाउट पेमेंट्स, तो अभी और इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल इन्फो, बैंकिंग इन्फो, इसके अलावा टैक्स फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, तो इसमें ये देखेंगे, प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वेरीफाई योर एड्रेस, सेलेक्ट योर फॉर्म ऑफ पेमेंट, मेड द मैसेज रिसोल्ट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद जो है वो पेमेंट्स आएंगी गूगल की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आप कहेंगे कि यूट्यूब चैनल जो है वो कैसे बनता है, तो ये टोटल इसको मैनेज कैसे करते हैं मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा कि गूगल का जो अपना यूट्यूब का चैनल है वो कैसे बनता है, एडसेंस का अकाउंट कैसे बनता है, इस बारे में आपको जो है वो समझ नहीं आई मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ बता दूंगा। अच्छा जी, इसको मंगवाने का जो है वो सिंपल तरीका ये है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तब आपने इसको अप्लाई करना है, अप्लाई आपने अपना यूट्यूब स्टूडियो से ही हो जाता है, तो आपने वहाँ से जाके इसको अप्लाई करना है, और एड्रेस डालने का जो है वो सिंपल तरीका ये है कि आपने गूगल मैप पे जाना है, ज़रूरी नहीं है कि जो साहब क्या आईडी कार्ड पे होगा वही आपने डालना है, नहीं, आपने गूगल मैप पे जाना है और सर्च करना है पोस्ट ऑफिस नियर मी, तो जो भी आपने देख लेना, जो भी पोस्ट ऑफिस आपके जो है वो करीब होगा, आपने उसकी उसी का जो है वो एड्रेस पोस्टल कोड समेत आपने कॉपी करना है, और आपने जो है इधर जहाँ पे ये एड्रेस डालते हैं YouTube स्टूडियो पे, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो एड्रेस मांगेंगे किस एड्रेस पे आप हम ये आपको भेजें, तो आपने वहाँ पे जाकर उसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाना है, आपने जिस जौन सी मेल लगाई है ना अपना YouTube चैनल के लिए और जिस नाम से वो मेल बनी हुई है वही नाम बताना है कि इस नाम से मुझे जो है वो गूगल एडसेंस की तरफ से ना पिन आया, तो चेक कर लें आया कि नहीं, तो अगर ना आया हुआ तो फिर आपने जब दोबारा अप्लाई करेंगे ना 3 वीक्स बाद आप दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले वीक आपका ना आया हुआ तो आपको आपने 2 वीक्स और गुजारने हैं, उसके बाद आपने जब इसको दोबारा अप्लाई करना है फिर आपने जाके जो है वो उनसे पूछना है, पोस्ट ऑफिस दोबारा जाना है और वहाँ उनसे पूछना है कि मेरा पिन आया है कि नहीं, आपने अपनी ईमेल के जो है वो जिस नाम पर आपकी ईमेल होगी आपने वही नाम उनको बताना है। मैंने भी इसी तरह किया था कि पहले वीक में गया तो उन्होंने कहा नहीं आया, फिर मैं जो है वो 3 वीक्स जो है वेट किया, फिर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं फिर गया, तो जिस नाम पे मेरी ईमेल थी इतजाद रशद वही मैंने उनको बताया, तो उसी नाम से जो है वो ये मुझे रिसीव हो गया। तो आपने भी इसी तरह सेम प्रोसेस है, सिंपल आपने गूगल से गूगल मैप से कि आपने उसका जो है वो एड्रेस डालना है पोस्टल कोड समेत, आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर देना है। बाकी अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।